बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया, अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक़्त ही ना मिले। कभी किसी को धोखा मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। कम तरीन इलम वो है जो जुबान पर रहे, बुलंद तरीन इलम वो है जो किरदार से जाहर हो। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। एक दूसरे से बुग्ज़ ना रखो, क्योंकि ये हर खैर और बरकत के जवाल का बाइस है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना सोने की प्लेट में और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी को जाहर कर दो। उस शख्स की दोस्ती पर एतबार न कर जो अपने इकरार को पूरा ना करता हो। जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिजक का कोई रास्ता ना निकले, तो सदका देकर अल्लाह के साथ तजारत करो। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी इसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हों। जो आदमी अपनों को हकीर समझता है, दुश्मन उसे कुचल देते हैं। कभी भी किसी ऐसे शख्स पर एतमाद मत करो जो अपने खलूस की कसमें खाता हो। जब कोई चीज अपने वालदैन को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज पेश करता है। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या अली, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है और जो अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी बेसकुनी और तजलील देता है। तब हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, वो इंसान वो मर्द है जिसमें ये तीन खामियां मौजूद हों, क्योंकि ये तीन खामियां इसकी बीवी की जिंदगी को दुश्वार बना देंगी। पहली खामी कि वो ना मुहर्रम औरत को गंदी निगाह से देखता हो। दूसरी खामी कि वो हमेशा खुद को सही आला और दूसरों को गलत समझता हो। और तीसरी खामी कि वो बात बात पर झूठ बोलता हो। याद रखना कि जिस मर्द में ये तीन खामियां मौजूद होती हैं, इसके साथ रहने वाले रुसवाई और परेशानियों का सामना करते हैं। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं एक झलक में कैसे पहचान लूं कि किस इंसान में ये तीन खामियां मौजूद हैं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, इस खामी की जड़ खुद को मोहतरम और दूसरों को हकीर समझना है। तुम जब भी किसी इंसान से मिलो तो ये देखो कि वो लोग जो हैसियत में इससे कम है इससे वो किस तरह से मिलता है, और जो लोग हैसियत से इससे भरकर हैं इससे वो किस तरह मिलता है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस दुनिया में सबसे अजीम इंसान वो है जिसमें ये खूबी मौजूद हो कि वो अपने से कम इंसान को भी अपने सीने से लगाता है, बराबरी का हक देता है, और यही सिफत इसके घर को भी जन्नत बना देती है, जिंदगी को रौनक बख्शती है और आखिरत में भी अजीम इनामात का सबब बनती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।